हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बुक एन एलियन हैंड्स चैप्टर 4 द कॉप एंड द एंथम्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन, वर्ड मीनिंग एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज कॉप, पुलिसमैन, हरेट, जल्दी, क्विकली, मूव, हिलना, स्टायर, ब्राइट, चमकना, शाइन, होल, पूरा, फुल, प्रिजन, हवालात, जेल, थिंक, सोचना, पॉन्डर, क्वाइटली, शांति से, पीसफुली, रियलाइज्ड, महसूस करना, फील, पार्क, बगीचा, गार्डन, डिनर, रात का भोजन, सपर, एंथम, विशेष गान, अ स्पेशल सॉन्ग, एक्सपेक्ट, आशा, होप, रिचर, धनवान, वेल्दियर, वेन, व्यर्थ, निष्फल, जो वेस्ट हो जाए, रिजल्टलेस, फेल, रिमाइंडेड, रिमेंबर, याद आना, बीट द डस्ट, धूल झाड़ता है, मतलब जो उसके धूल लगते क्लॉथ को उनको झाड़ना, रिमूव द डस्ट, टॉर्न क्लॉथ्स, फटे कपड़े, रैग्स। सो देयर आर सम इंग्लिश वर्ड मीनिंग फ्रॉम योर बुक। यस, फर्स्ट इज साउथर्न स्काइज। यस, दिस इज द वार्मर प्लेसेस। सेकेंड इज ब्लैकवेल आइलैंड, नेम ऑफ अ प्रिजन, कोप, पुलिसमैन, इन अमेरिकन इंग्लिश वी कैन कॉल कोप। सो कॉन्टिन्यू विद द ट्रू फॉल्स। यस, फर्स्ट इज सोपी डिडंट वॉन्ट टू गो टू प्रिजन, सोपी जो है प्रिजन जेल नहीं जाना चाहता था। फॉल्स, रॉन्ग, गलत है ये। सोपी वॉन्ट टू गो, वो जाना चाहता था। सेकेंड इज सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम, सोपी काफ़ी बार जो है जा चुका था कहाँ पे, प्रिजन में, जेल में। ट्रू। थर्ड इज इट वॉज पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर, क्या उसके लिए ईजी था सर्वाइव करना, सॉरी उसके लिए ईजी नहीं था सर्वाइव करना विंटर में। ट्रू। सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्सनल नेचर, क्या जो सोपी है उसको पसंद नहीं था, वो हेट करता था जब उससे कोई क्वेश्चन आंसर करता था उसके पर्सनल नेचर पर। ट्रू। सोपी स्टॉल अ मैनस अम्ब्रेला, क्या सोपी ने एक मैन का अम्ब्रेला स्टॉल किया था। यस, ट्रू। द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू द सोपी, सोपी जो ऑनर ऑफ द जो अम्ब्रेला था उसने ऑफर कर दिया था सोपी को। यस, ट्रू। द मैन हैड स्टॉलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज, क्या मैन ने जो है जो स्टॉलन किया था अम्ब्रेला, जो द मैन हैड स्टॉलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज, जो स्टॉलन किया था अम्ब्रेला आदमी ने वो अब क्या था, सोपी का था। यस, ट्रू। सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, सोपी ने अम्ब्रेला फेंका। ट्रू। इट्स अ ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू इन द टेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे साइन थे, संकेत मिलते थे जिससे पता लगता था कि विंटर आ गई है। देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग, कुछ यहाँ पर ऐसे साइन थे जिससे पता लगता था कि विंटर आ गई है। बर्ड्स बिगिन्स टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स वे साउथ की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट कर देते थे। पीपल वॉन्ट्स न्यू वार्म कोट्स, पीपल को जो है नए वार्म गर्म कोट्स की नीड होती थी। एंड डेड लीव्स स्टार्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जो डेड लीव्स है वो क्या करने लग गए थे, नीचे गिरने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान, सोपी का फर्स्ट प्लान क्या था, व्हाई डिड इट नॉट वर्क, सोपी का फर्स्ट प्लान क्या था, वो वर्क क्यों नहीं किया। आंसर इज सोपीज फर्स्ट प्लान वॉज टू हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट एंड वुडेंट पे मनी,
सोपी का फर्स्ट प्लान क्या था कि वो एक फाइन रेस्टोरेंट, एक अच्छे रेस्टोरेंट पर जाए और वहाँ पर डिनर करे एंड वुडेंट पे मनी और उसकी जगह पे भी ना करे। सो द कॉप वुड अरेस्ट हिम, तो कॉप क्या करेगा, उसको अरेस्ट कर लेगा। बट हीज प्लान वॉज फेल्ड, लेकिन उसका प्लान जो है फेल्ड हो गया, बिकॉज हेड वेटर सॉ द ब्रोकन शूज एंड टॉर्न क्लोथ्स एंड मूव्ड हिम आउट टू द रेस्टोरेंट। अब जो उनका हेड वेटर था वो क्या, उसके ब्रोकन शूज़, टूटे हुए शूज़ और फटे हुए कपड़ों को देख लेता है और उसको जो है रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी, लेकिन जो कॉप का दिमाग था वो कंसीडर नहीं कर रहा था सोपी को। वट डिड द कॉप नॉट कंसीडर, कॉप क्या कंसीडर नहीं कर रहा था एंड वाई और क्यों। द कॉप डिडंट कंसीडर सोपी एज अ क्रिमिनल, जो कॉप तो था वो क्रिमिनल नहीं समझ रहा था, अपराधी जो है, क्रिमिनल मीन्स अपराधी, तो अपराधी नहीं समझ रहा था सोपी को। बिकॉज क्योंकि द कॉप थिंक दैट, कॉप ये सोच रहा था, द मैन हु ब्रॉक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, कि जिसने विंडो तोड़ी है वो पर्सन वहाँ पर खड़ा होकर कॉप से बात नहीं कर सकता भी, मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उससे वहाँ पर स्टे नहीं करता, वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, वट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू। द पुलिसमैन रेफरिंग टू दोज कॉलेज बॉयज हु वुडंट हर्ट एनीथिंग, भी ये बात पुलिस ने क्यों कही कि वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट। तो ये बात पुलिस ने इसलिए कही, ये रेफर किसको की है, ये कॉलेज बॉयज़ को की है, जो क्या करते हैं, शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं अननेसेसरी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं कहते। यस, फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, वट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी, कि बहुत सडन चेंज और अच्छा चेंज जो है सोल के अंदर देखने को मिला, क्या चेंजेस जो है वो सोपी लेकर आया। When Soapy recalled the childhood memories, a happy days, and with clean thoughts at a very quiet corner of the street, by listening sweet music, then there was a sudden change in his soul. Yes. तो क्या changes लेके आए थे, मतलब किन चीज़ों से changes आए थे, जब अपनी recall करता है वो बचपन की memories को, happy days को और अपने clean thoughts को, एक शांति से बैठकर स्ट्रीट के कॉर्नर पर जब वो प्यारा सा एक म्यूज़िक सुन रहा होता है, तो उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो उसको वापस ले आती हैं एक अच्छी सॉल के अंदर। तो इस चीज़ से, उसकी मेमोरी से क्या हो जाता है, सडन उसकी लाइफ में एक चेंज आ जाता है, उसकी सॉल के अंदर एक चेंज आ जाता है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, वर्ड मीनिंग एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।